హైదరాబాద్ చాంద్రాయణగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో వృద్ధ మహిళను ఒంటరిని చేసి కొడుకు ఇల్లు ఆస్తి మొత్తం తీసుకున్నాడని వృద్ధ మహిళ కూతురు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. దీంతో తన తల్లికి తినడానికి తిండి కూడా లేకుండా పస్తులు ఉంటోందని తెలిపారు. తండ్రి సంపాదించిన ఇల్లు కూడా అమ్మడంతో ఉండడానికి ఇబ్బందిగా ఉందని వృద్ధ మహిళ రోదించారు. అధికారులు స్పందించి తన తల్లికి న్యాయం చేయాలని కూతురు కోరుతోంది. मेरी माँ का हक दिला दो बस, मेरे को मेरी माँ के वैसी हालत पैर है, उनके पूरे इन्फेक्शन भर गया हुआ है. डॉक्टर बोले पैर काट देना पड़ता, पूरा इन्फेक्शन भर गया. बोले कुछ मेरी माँ के लिए मदद के हद तक कर दो बस, मेरे को दूसरा कुछ भी नहीं. और अम्मी को अम्मी सोते रहे, उनको कुछ होश ही नहीं रहा. अम्मी को क्या है क्या नहीं सो, पूरा बोरान करके रख दिया. हमारा अम्मा को कुछ भी नहीं कर सका, मेरे वालदा कह सका. मेरी माँ का हक दिला दो, मेरे को उतना ही जो ना अल्लाह अल्लाह के हबीब के बाद आप लोगों का सहारा जो मेरी माँ को हक दिला दिया तो बस है. मेरी माँ के मेरे को उतना ही जो ना, दूसरा कुछ भी नहीं. को कुछ ना उसकी दौलत तो ना उसके, बस मेरी माँ का जो हक में था वो हक दे दो बोलो बस. उतना ही उसे कुछ भी हमको नहीं है. हमारी माँ को हमारे वालदा ना पूछ रहा नहीं कर रहा नहीं, पैसे पूछे तो अम्मी को कुछ भी होश आवाज ही नहीं रह रहा. अम्मी को क्या बोलना, ऐसा बेटा रहना नहीं रहना. एक किसे जो माँ को घर दिला तो बोल के माँ को बेघर कर दिया, ना कोई सहारा दिलाया ना कुछ भी नहीं. 5 साल से पूरे बस्ती वाले गवाह के अम्मी मेरे पास ही रहते, बोल के हर बस्ती वाले यहाँ तो उसे पकड़ के मारते बोल रहे थे. कहा रह रहा कि हमको आज तक कोई बहनों को घर का एड्रेस नहीं दिया ना घर बताया. फोन आ करी, फोनों के मैसेज तक भिजाती है भाई को, फोटो उस तक भिजाते रहती. अम्मी का हर जख्म की फोटो ये भाई को भिजाती हूँ मैं अम्मी के, ऐसा बोल रहे सुन के एक फोन का भी रिस्पॉन्स नहीं देता ना कोई बात करता ना पूछता. माँ कैसी, कौन माँ, किसकी अम्मा बोला. परसों बड़ी बहन फोन करके पूछे तो कौन अम्मा है किसकी अम्मा है, कोई भी नहीं अम्मा मेरी बोला. हम लोगों को कोई भी नहीं, हम लोग कमजोर है बोल के हमारे माँ कमजोर का हमारा फायदा उठा लिया. हम लोगों का कोई भी सहारा नहीं है, बल्कि अल्लाह के कोई नहीं है हमारा सहारा. हाँ पुलिस स्टेशन में गई थी, पुलिस वाले ननगुट्टे के पुलिस वाले बोले बुला के बात कराते, बोले अभी तक बुलाए नहीं कराए नहीं. छोटा भाई भी बालापुर के पीएस में गया था, शाही नगर लगता वहाँ का घर बेचे ना, शाही नगर लगता बोल के. तो वहाँ पे भी पुलिस वाले खाली बुलाए गए थे, कुछ भी नहीं करे गए थे. उसके ना बड़े बड़े लोगों की लिंक है, उन लोगों से काम करा लेता. हम लोग मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते. छोड़ के इसलिए खामोश बैठ के 3 साल तक कुछ भी नहीं करे. हम लोग कहाँ जा सकते.